हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, हम सभी लैपटॉप या पीसी का यूज़ करते हैं और उसमें हमारी बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है या फिर बहुत से हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारी उन्हीं फाइल्स की वजह से या कई बार हम ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट पर सर्चिंग करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, उनकी वजह से हमारा वायरस या फिर हम क्या बोलते हैं पीसी या फिर जो हमारा लैपटॉप है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं बिना एंटीवायरस के, यानी कि विदाउट एंटीवायरस हम वायरस को रिमूव कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी रहने वाली है विंडोज़ के ऊपर, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसके अंदर से हम वायरस को कैसे रिमूव करेंगे विदाउट एंटीवायरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ 1 से लेके हमारी जो लेटेस्ट विंडो है विंडो 10, इन सभी विंडोज़ में आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए और क्लियरली आपका पीसी या लैपटॉप जो है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। तो इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि जो कंप्यूटर वायरस है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। हमारी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में मैलिशियस का मीनिंग होता है गंदा। तो एक तरीके से कंप्यूटर वायरस के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो क्या किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं यूज़र के कंप्यूटर में बिना किसी यूज़र की नॉलेज के। यानी कि अगर मैं इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, आपने देखा होगा कभी कभार हम किसी लिंक को ओपन करते हैं कुछ दो तीन पॉपअप विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों वो जो पॉपअप विंडो है वो हमारी क्या होती है, वायरस होती है। यानी कि वो कुछ मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो कि बिना किसी मर्जी के, आप देखते होंगे कि हमने अगर लिंक पे क्लिक किया है तो बेसिकली एक साइट ओपन होनी चाहिए लेकिन दो तीन टैब जो है हमारे वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। तो यानी कि क्या है, विदाउट यूजर्स नॉलेज हम क्या करते हैं, उस टैब्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटेड का मीनिंग है यहाँ पे कि जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम यहाँ पे वायरस के नाम से बोल रहे हैं, वो बार बार जो है, एक बार आपके कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में अगर एंटर हो गया तो बार बार जो है क्या करता रहेगा, प्रोग्राम को रन करता रहेगा अपने आप को, जिससे क्या होगा आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं या जो भी आपकी पीसी या लैपटॉप के अंदर स्टोरेज है उस पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जितनी बार भी वो रेप्लिकेट होगा यानी कि रन होगा बार बार, वो आपके डायरेक्टली हार्ड डिस्क को क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे आपका पीसी या लैपटॉप स्लो होगा और आपकी फाइल्स जो है वो इनक्रिप्टेड हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हम उस वायरस को रिमूव कैसे करेंगे हमारी विंडोज़ के अंदर विदाउट एंटीवायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विदाउट एंटीवायरस हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारे लैपटॉप या पीसी के डेस्कटॉप पे आना है और वहाँ पे हमारे विंडो सर्च बार में, यानी कि हमारे सर्च बार में हमें टाइप करना है सिक्योरिटी। जैसे हम सिक्योरिटी टाइप करेंगे हमारी ऐप है वो ओपन हो जाएगी विंडोज सिक्योरिटी के नाम से। तो मैं इस ऐप को यहाँ पे ओपन करूँगा और जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकेंड टैब है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, हमें इस टैब पे क्लिक करना है। और जैसे मैं इस टैब को क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे वायरसेस को रिमूव करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक फॉर्मेटली डिफ़ॉल्ट जो हमारा थ्रेट को कैच करने का ऑप्शन आता है वो है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम विदाउट एंटीवायरस वायरस को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के टैब में यहाँ पे स्कैन ऑप्शंस के नाम से एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन है, हमें फोर्थ ऑप्शन पे जाना है विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इससे होगा क्या। अगर हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर कुछ छोटे मोटे वायरसेस होंगे जो कि सिंपली बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम्स में होंगे, तो क्या होगा हमारा जो पीसी या लैपटॉप है बहुत ईजिली अप्रोक्सीमेट 1 मिनट के अराउंड जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पीसी की स्टोरेज बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यानी वायरस है, तो ये हमारा तकरीबन कितनी मिनट लेगा, कम से कम 15 मिनट लेगा हमारी ये पीसी को या लैपटॉप को रीस्टार्ट होने में। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ हमारा पीसी जो है क्या हो जाएगा, वो वायरस को रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारा पीसी रीस्टार्ट होकर बिल्कुल फास्टली क्या करेगा, वो वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पीसी या लैपटॉप है वो मेरा क्या हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, उसमें से सभी वायरसेस रिमूव हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी हमारी ऐप ओपन करूँगा और आप देखेंगे कि वो बहुत ही
फास्टली वर्क कर रहा है। मैं कहीं भी क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कितनी फास्टली जो है मेरा लैपटॉप वर्क कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।